हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो दोस्तों, समय है सुहाना और मिल गया है घूमने का बहाना। तो आज हम जा रहे हैं भाई द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में, और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं भाई कुरुक्षेत्र की मन्नत हवेली। भाई ब्यूटीफुल वेदर है, और देखते ही देखते हमने क्रॉस कर लिया भाई अम्बाला कैंट, और हम अम्बाला सिटी को अभी बाईपास कर रहे हैं। और ये भाई यहाँ का एक फेमस प्लेस है जग्गी सिटी सेंटर, और ये यहाँ का एक सिग्नेचर साइन है भाई जिस पे लिखा हुआ है हरियाणा अंबाला। तो भाई हम बलदेव नगर के अंदर आ गए थे, तो थोड़ा सा इधर हमें काम था, तो इस वजह से हम बलदेव नगर के अंदर से अब चंडीगढ़ के लिए लेफ्ट टर्न लेंगे यहाँ से। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं बाईपास, ये ब्रिज है भाई जो बलदेव नगर के ऊपर से चंडीगढ़ के लिए सीधा निकल जाता है अम्बाला से। तो दो तीन जगह डिसाइड करी है आज हमने घूमने के लिए चंडीगढ़ में। तो सबसे पहले तो भाई हम यहाँ पे छतबीड़ में जा रहे हैं, ये जीरकपुर से पहले हम लेफ्ट टर्न लेंगे अब। तो ये डीकैथलोन का स्टोर है, और यहाँ पे भाई KFC, मैकडी और ये बर्गर किंग है। तो यहीं से हम लेफ्ट टर्न ले लेंगे, तो हम चले जाएंगे फिर छतबीड़ जू, जो कि भाई एक फेमस जू है पंजाब के अंदर। तो ये हम भाई इधर से लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, और भाई आज जैसे वीकेंड है तो यहाँ पे काफ़ी रश आया हुआ है, और भाई हमें गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिली है पार्किंग में, तो इसलिए हमें यहाँ से अब वापस जाना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं भाई, हम सीधे चलते हैं अब चंडीगढ़ में रॉक गार्डन की तरफ। तो भाई हमारे साथ हमारे फ्रेंड भी आए हुए हैं यमुनानगर से, तो भाई पार्किंग का इश्यू तो मुझे यहाँ भी लग रहा है, बट देखते हैं कहीं ना कहीं तो यहाँ गाड़ी लगाएंगे ही भाई। और ये काफ़ी प्रयास के बाद हमें भाई पार्किंग मिल ही गई है, तो एक बार पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं और फिर टिकट कटवाते हैं रॉक गार्डन की। तो ये यहाँ पे टिकट चार्जेस हैं भाई, आप देख सकते हैं। तो हमें टिकट मिल चुकी है और हमने एंट्री कर लिया भाई रॉक गार्डन के अंदर। तो एंट्री करते ही आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। बेसिकली जो रॉक गार्डन है भाई, ये चंडीगढ़ में एक गार्डन है जो कि चंडीगढ़ का एक मेन टूरिस्ट पॉइंट है। तो जो ये रॉक गार्डन है भाई, जो इसका निर्माण है वो नेकचंद जी ने किया था, और जो ये गार्डन है भाई ये वेस्ट मटेरियल से तैयार हुआ है। और जो ये गार्डन है ये लगभग भाई 40 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। तो नेकचंद जी हैं अपने, वो पंजाब के रहने वाले थे और वो लोक निर्माण विभाग में काम करते थे। तो 1951 में सड़क निरीक्षक के तौर पर काम करते हुए उन्होंने सुखना झील के पास कुछ भूमि थी जो कि कचरे से भाई लबालब थी, तो उस भूमि को उन्होंने साफ करके और इस गार्डन का निर्माण है वो शुरू कर दिया। और भाई जो ये गार्डन है ये 1976 में इसका उद्घाटन किया तो गया था। नेकचंद जी को कुछ भी सामान मिला, जैसे भाई प्लास्टिक, टाइलें, पत्थर या कोई टूटी हुई चूड़ियाँ या कोई भी सामान मिला, तो उन्होंने अपनी कलाकारी से उसको इस गार्डन में भाई सुंदर सुंदर कलाकृतियों में बदल दिया गया। और ये सारे टूल्स हैं भाई जिसकी मदद से ये गार्डन है ये तैयार हुआ है, तो आप देख ही सकते हो। तो एंट्री के जस्ट बाद ही ये यहाँ पे टूल रखे हुए हैं, और कुछ इस तरह से ये आप रॉक गार्डन में एंटर करते ही आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से पत्थरों को सजाया गया है, और इसीलिए इसका नाम है जो रॉक गार्डन रखा हुआ है। तो भाई आज मैंने आपको बताई है कि काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, तो फिर भी हम मैं आपको अच्छे से इस गार्डन को दिखाने की कोशिश करूँगा, और जितनी भी भाई मेरी नॉलेज है वो मैं आप सबको बताने की कोशिश यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। तो अभी तो फ़िलहाल तो भाई हम भीड़ से जद्दोजहद करते हुए आगे की स्टेप ले रहे हैं। तो ये यहाँ पे भाई एक नैरो सी सीढ़ी है जिससे हम सबको निकल के जाना पड़ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रखी है। तो ये भाई इस तरह की एक छोटी सी ये सीढ़ियाँ हैं, तो अभी मैं आपको सीढ़ियाँ भी दिखाऊंगा भाई नीचे, बट अभी आप सामने देख लो। तो ये सीढ़ियाँ भाई, तो इस तरह से हमें निकलना पड़ रहा है। ये काफ़ी कंजस्टेड सी जगह लग रही है भाई, बच्चे और बुजुर्गों के साथ तो यहाँ पे और भी आने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर भीड़ नहीं हो तो फिर तो आप आसानी से घूम सकते हो। तो भाई ये यहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो आप ये रीड कर सकते हो। तो जगह जगह पे आपको इस तरह के भाई स्कल्पचर देखने को मिलेंगे, और भाई अभी तो एंट्री है हमारी,
तो देखते जाइए भाई, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। तो भाई नेक्स्ट स्टेप के लिए हम इस तरह से दोनों तरफ से घिरी हुई चट्टानों के बीच से निकलते हुए आगे चले जा रहे हैं। तो ये आप देख ही सकते हो, दोनों तरफ हमारे ऊंची ऊंची चट्टाने हैं और भाई इस तरह के पत्थरों को ये सजाकर, या मतलब ये मेरे ख्याल जो पत्थर हैं उनको आपस में जोड़ा ही गया है, कटिंग तो मुझे नहीं लग रही है ये चट्टानों की। तो ये कुछ इस तरह के एरिए में हम आ गए हैं भाई। यहाँ आगे थोड़ा पानी भी गिर रहा है ऊपर से, जैसे एक झरना टाइप, आर्टिफिशियल झरना ही लग रहा है मेरे को ये। तो अभी देखते हैं नज़दीक जाके, धीरे धीरे सभी बढ़े जा रहे हैं। और ये देखिए भाई, नीचे भी ये पानी इकट्ठा हो रखा है, तो थोड़ा स्लिपरी माहौल है। तो ये आ गए हैं भाई हम यहाँ पे झरने के पास। ये आप देख ही सकते हैं कि ऊपर से पानी बह रहा है। वैसे भाई रॉक गार्डन में एक बड़ा फेमस आर्टिफिशियल झरना है, अभी वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो फिलहाल तो हम यहीं से निकल रहे हैं भाई धीरे धीरे करके। पेड़ पौधे तो भाई काफी सुंदर लगाए हुए हैं इन्होंने यहाँ पे। और भाई ये कंजस्टेड सी जगह से निकल के हम यहाँ पे आ गए हैं। और ये देखिए भाई, ये है रॉक गार्डन का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो रॉक गार्डन की काफ़ी वीडियोस वगैरह या जो रील बनाते हैं वो यहीं बनती है भाई, तो मैंने भी एक रील बनाई है। तो अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे खड़े होंगे और आपको मैं झरने के पास लेके जाता हूँ पहले। तो ये देखिए गाइस, किस तरह से पानी भाई ये ऊपर से गिर रहा है। और ये भाई आप देख ही सकते हो कितनी जनता इकट्ठी हो रखी है। और ये ऊपर भाई इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ है, महल जैसा, बट ये सारा आर्टिफिशियल है भाई, ये मैन मेड है, ये नेचुरल यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो यहाँ से अब हम आगे निकल रहे हैं भाई, और फिर से वही नैरो जगह है। तो ये सीढ़ियाँ नहीं है यहाँ पे भाई, ये स्लोप बनाया हुआ है। तो धीरे धीरे हम चले जा रहे हैं। वही है भाई, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप ठीक से एंजॉय नहीं कर पाओगे यहाँ पे, बट फिर भी चलो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ें ठीक से दिखा सकूँ मैं। तो ये भाई कुछ इस तरह का है ये सरफेस जिस पे हम चल के जा रहे हैं। तो भाई थोड़ा आगे जाके थोड़ा ओपन एरिया हो जाता है और फिर हम आराम से चल सकते हैं। तो ये भाई उस झरने की बैक साइड है जो अभी मैंने दिखाई थी। तो ये उस झरने की हम बैक साइड आ गए हैं। और यहाँ भी भाई हल्का फुल्का पानी गिर रहा है। वैसे इन्होंने आगे के लिए ही किया था ये पानी, बट फिर भी कहीं ना कहीं से लीकेज होके आ ही गया है। तो भाई गार्डन को साफ सुथरा रखिए, ये तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपको अच्छे से एंजॉय करना है तो कचरा वगैरह नहीं फैलाना है। तो ये भाई यहाँ भी आके थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है मामला। तो अभी हम झरने के फ्रंट में आ जाएंगे इधर से घूम के। तो यहाँ भी भाई आप फोटो वगैरह ले सकते हो, काफ़ी एरिया है। और ये देखिए भाई, दीवारों पे इन्होंने कुछ कुछ आकृतियाँ बनाई हुई हैं और ऊपर एक ब्रिज है भाई। ये ऊपर ब्रिज पे जाने का रास्ता तो अभी इन्होंने बंद कर रखा है, तो आप यहाँ तक जा सकते हो बस, और यहाँ से सेल्फी ले सकते हो। ये आ गए भाई हम अंधेरी गुफा के अंदर। काफ़ी प्लेस ऐसे हैं भाई यहाँ पे जो बिल्कुल आपको फील कराएंगे कि आप दम घुट, आपका दम घुट चुका है। तो अगर आपको भाई फोबिया है कुछ इस तरह का तो यहाँ आने से परहेज करें। बट ये देखिए भाई, ये जो अभी झरने के पास थे, ये इसका भाई फ्रंट व्यू है। और ये देखिए गाइस, ये लग रहा था कि पेड़ की जड़ें हैं, बट ये सारा सीमेंट से बना हुआ था। और अभी हम थोड़ा और आगे निकल गए हैं और यहाँ पे भाई खुली खुली सी जगह आई है, तो सभी यहाँ पे सांस ले रहे हैं।
थोड़ी देर रुकने के बाद भाई अब आगे तो बढ़ना है, बट आगे बढ़ने के लिए वही एक छोटी सी सीढ़ी है पतली सी, और पब्लिक आज ज़्यादा ही हुई है, तो ये निकल के यहाँ पे भाई ये आप देख सकते हो सामने दिए रखे हुए हैं और कुछ इस तरह से भाई पब्लिक नीचे उतर रही है। तो ये भाई एरिया मेरे को थोड़ा सा खतरनाक लगा, क्योंकि यहाँ से भाई गिरने का बड़ा खतरा है। ये देखिए किस तरह से भाई बसते हुए जा रहे हैं, और कुछ पकड़ने का यहाँ पे है भी नहीं भाई। चलो देखते हैं, नीचे जाके मिलते हैं आपको। और ये हमारे साथी अपने बच्चों को उतारते हुए, धीरे धीरे करके भाई हम नीचे आ गए हैं, और ये आके एक ओपन सा स्पेस आया है। अभी तक यहाँ पे जो स्कल्पचर हैं भाई वो हमें देखने को नहीं मिले हैं, बट कह रहे हैं कि अब आगे जो एरिया आएगा उसमें आपको काफ़ी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी भाई पत्थरों से बनी हुई। पहले तो भाई ये देखिए आप ये सीन, ये भाई लग रहा है ना डरावना सा। तो भाई यहाँ से निकलने के लिए भी हमें इस तरह के दरवाजे से निकल के जाना पड़ेगा, किस तरह से झुक के जाना पड़ रहा है। और हम बढ़ चुके हैं भाई आगे की तरफ, सच बता रहा हूँ भाई अगर भीड़ नहीं होती ना तो मजा आ जाता है। यहाँ से निकलने के बाद भाई आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो है। अब इस तरह से भाई ये मूर्तियाँ चल चुकी है दोनों साइड हमारी, चाहे जानवर हो पक्षी हो आदमी हो भाई हाथी घोड़े सब बना रखे हैं इन्होंने भाई पत्थरों का यूज करके। तो भाई टिकट के हिसाब से तो वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ की टिकट ज़्यादा नहीं है पर पर्सन, और बच्चों के लिए भी कम ही टिकट है, तो आप एंजॉय कर ही सकते हो आके यहाँ पे। और ये खड़ी है भाई यहाँ पे पूरी फौज, एक बार तो भाई ऐसा लगता है कि ये रियल है, बट फिर वही बात है हिल डुल नहीं रहे हैं, ये स्टैचू बन के खड़े हुए हैं एक ही जगह पे। तो अब ये 7-8 सेक्शन बता रहे हैं भाई इसके, इसी तरह से आपको यहाँ पे डॉल देखने को मिलेगी। तो आप चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, और भाई आप
जो पानी की बोतल है वो बाहर से लेके आना भाई, क्योंकि अभी तक तो मुझे पीने के पानी के लिए कोई टैप वगैरह नहीं दिखी है यहाँ पे, और खाने का तो इंतजाम है ही नहीं अंदर। तो ये भाई, ये चूड़ियाँ जो होती हैं बैंगल्स, तो उनसे बने हुए स्कल्पचर थे ये, डायनासोर भी बनाए हुए हैं इन्होंने भाई। यहाँ खड़ी अपनी पूरी टीम। जय हिंद। तो काफी अच्छा है भाई अभी तक तो। और ये इन्होंने कुछ पुराने टाइप का बनाया हुआ है। तो मुझे तो भाई ठीक ठाक ही लगा, मतलब ज्यादा अच्छा भी नहीं है और ज्यादा इसको बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक जो पर्सन थे उन्होंने भाई अपनी कला को यहाँ पे निखारा हुआ है। हमें देखने में ये बोरिंग लग रहा होगा, बट भाई आप ही सोचो इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा। 1951 में उन्होंने शुरू किया था और 1976 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो आप लगा ही सकते हो अंदाज़ा, लगभग उन्हें 25 साल लग गए भाई इस गार्डन को इस तरह से बनाने में। अभी तो जो नेकजन जी है वो हमारे बीच में नहीं है, बट जो उन्होंने काम किया भाई वो रिस्पेक्टफुल है। और भाई हम यहाँ पे बाहर निकल चुके हैं, और बाहर ही आपको कैंटीन मिलेगी भाई खाने पीने की। आई होप आप सभी को ये वीडियो है जो भाई पसंद आई होगी, और भाई खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो आपको बाहर ही मिलेंगी। तो हम भाई गार्डन घूम आए थे, तो भाई घूम के गार्डन अभी हम घर की तरफ चल पड़े हैं, और ये अभी जीरकपुर हम क्रॉस कर रहे हैं। और भाई जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आज भाई वीकेंड था तो यहाँ पे बहुत रश था, और भाई ये जीरकपुर में यहाँ पे जाम हमेशा लगता ही है। तो अभी तो हमें इस जीरकपुर के इस जाम से भी अपने आप को निकालना है। आप देख ही सकते हो भाई, छह लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की, तीन सर्विस रोड पे, तीन हमारे वाले रोड पे, तो एक साइड में छह लाइनें बनी हुई हैं। तो बड़ी मुश्किल से हम भाई निकले हैं, और भाई फाइनली हम अम्बाला पहुंच चुके हैं। ये रहा भाई जग्गी सिटी सेंटर का रात का व्यू, और ये रहा अम्बाला का सिग्नेचर ब्रिज। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को भाई लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहे।